हे गाइस टुडे लेट्स सी हाउ टू मेक डस्ट क्लीनर। डस्ट क्लीनर बनाने के लिए हमें सिंपली एक कैप चाहिए होगा और कैप के बीचों बीच हम एक होल करेंगे। देन सिंपली होल करने के बाद हमें एक मेटल रॉड चाहिए होगा और मेटल रॉड बीचों बीच होल के चिपका देंगे ग्लू गन के मदद से। देन हम इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। हमें 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगा और मैं लाइफ लॉन्ग के लिए दो बैटरी यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक भी कर सकते हो। और दोनों बैटरी के ऊपर वाले पॉइंट पे हम सिंपली स्विच ऐड कर लेंगे। देन स्विच ऐड करने के बाद दोनों बैटरी के माइनस वाले पॉइंट को एक दूसरे से अटैच करके हम सिंपली स्विच वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेंगे। देन स्विच के एक और पॉइंट बचता है, उस पर भी हम एक और वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। देन दोनों बैटरी के प्लस वाले पॉइंट को अटैच करके हम डीसी के मोटर के पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेते हैं। देन स्विच को अच्छे से चिपका देंगे बैटरी के ऊपर वाले साइड में। बैटरी के पीछे वाले साइड में हम मोटर को चिपका देंगे सिंपली। एंड हमें ब्रश चाहिए होगा, टूथब्रश, और ब्रश को हम निकाल लेंगे और कैप के चारों ओर चार ब्रश हम चिपका देंगे जिससे हमारा क्लीनिंग का काम कर सकें। और हमें एक कनेक्टर चाहिए होगा और दोनों को एक साथ कनेक्ट करके मोटर और ब्रश को स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको टाइट कर लेते हैं। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।